please subscribe and press the bell icon for more content. हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एड रियल टेक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल्स के अंदर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा एमएस वर्ड के अंदर किस तरीके से सिग्नेचर इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करते, सब कुछ प्रोसेस आज के इस ट्यूटोरियल्स के अंदर मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो पर बनी रहिए, अंत तक समय पर आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाने मत भूलिए। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर लीजिए। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास एक इस तरीके का सिग्नेचर इमेजेस है। जस्ट इस इमेज को मैं यहाँ पर कम्प्लीटली इसको बैकग्राउंड रिमूव करके जेपीजी या फिर पीएनजी के अंदर सेव करना भी आज के इस ट्यूटोरियल्स के अंदर आप लोगों को सिखाऊंगा किस तरीके से करते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो इस तरीके का सिग्नेचर इमेज आपको जस्ट आपने एक वाइट पेपर के अंदर साइन करना है पेन से, और उसके बाद आपको मोबाइल से क्लिक करते हुए कैप्चर करना है, या फिर आप लोग स्कैनर से, आपके पास प्रिंटर या फिर स्कैनर है तो वहाँ से आप लोग स्कैन करते हुए अपने कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट करते हुए आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इस सिग्नेचर को आपने बनाए हुए डॉक्यूमेंट को जहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं, बैकग्राउंड वगैरह रिमूव करते हुए अच्छे दिखाकर इसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले इस इमेज को आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के लिए जस्ट आपको इंसर्ट टैब के अंदर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको जाना है दोस्तों पिक्चर्स टैब के अंदर। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली डेस्कटॉप के ऊपर में जाना है। मेरे पास यहाँ पर डेस्कटॉप के अंदर सिग्नेचर इमेजेस है, जस्ट इसको क्लिक करते हुए इंसर्ट करूँगा। इंसर्ट करने के बाद दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर इमेज आ चुका है सिग्नेचर का। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इस इमेज को आने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा। जस्ट आपको यहाँ पर क्लिक करते हुए सिंपली रैप टेक्स्ट के अंदर क्लिक करते हुए इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट के अंदर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर इस तरीके से ये इमेज यहाँ पर इधर उधर हो चुका है दोस्तों, यानी कि ड्रैग ड्रॉप इस तरीके से कर सकते हैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करने के बाद। अब आपको दोस्तों क्या करना है, राइट क्लिक करते हुए फॉर्मेट पिक्चर्स के ऊपर में क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर फॉर्मेट पिक्चर्स का डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ चुका है। जस्ट आपको यहाँ पर पिक्चर्स टैब के अंदर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन देखने को मिलेगा, पिक्चर्स करेक्शन, पिक्चर्स कलर और क्रॉप। आपको सेलेक्ट करना है पिक्चर्स करेक्शन। जस्ट आपको यहाँ पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन है दोस्तों, एक शार्पनेस से, एक ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट है। जस्ट आपको यहाँ पर शार्पनेस 50% करना है। 50% करने के बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पर व्हाइट लाइन आ चुका है, आप लोग देख सकते हो, ताकि इसको इजीली यहाँ पर रिमूव कर सके। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक लाइन निकाला है दोस्तों शार्पनेस 50% करते हो। अब आपको दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर आपको ब्राइटनेस के ऊपर में जाकर यहाँ पर भी आपको 50% करना है। आप लोग देख सकते हो ब्राइटनेस 50% करने के बाद तुरंत यहाँ पर जो भी बैकग्राउंड था वो रिमूव हो चुका है। अगर आप चाहे तो थोड़ा सा कम कर सकते हो, या फिर इसको शार्पनेस थोड़ा सा कम कर सकते हो, मे बी 40 के आसपास। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट भी आपको क्या करना है, मे बी 40 या फिर 20 के आसपास कर देना। करने के बाद दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर कम्प्लीटली काम हो चुका है। जस्ट इसको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद आप लोग देख सकते हो रिमूव कम्प्लीटली रिमूव हो चुका है। अब आपको इसको क्या करना है, जस्ट आपको सेव करना है। यहाँ पर बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ रिमूव हो चुका है। राइट क्लिक करते हुए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सेव पिक्चर्स। जस्ट आपको यहाँ पर क्लिक करते हुए सिंपली आपको यहाँ पर डेस्कटॉप पेपर में आपको फाइल टाइप वगैरह चेंज करते हैं, यानी कि मुझे जेपीजी फॉर्मेट के अंदर चाहिए तो यहाँ पर मुझे जेपीजी फॉर्मेट यहाँ पर मैं सेलेक्ट कराऊँ। जस्ट यहाँ पर मैं टाइप कराऊँ सिग्नेचर, तो इस तरीके से सिग्नेचर टाइप किया, जस्ट मैं यहाँ पर सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर तुरंत जेपीजी के अंदर डेस्कटॉप के अंदर सेव होकर आ चुका है दोस्तों, देख सकते हो कम्प्लीटली। इसको आपको इजीली जहाँ पर भी यूज वगैरह कर सकते हो, जहाँ पर भी इसको यूज करना है वो सब कुछ यूज करते हैं आप लोग, इजीली काम कर सकते हो। तो दोस्तों, आप लोगों का आज का इस छोटा सा वीडियो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कैसा लगा, प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो पर किसी नए टॉपिक के ऊपर में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।